कि समय समय से जो बादलों वालों अकाल तख्त सिंह साहबान के जो रुतबे है उन्होंने ज ऑडिट किया गया ज अपनी सत्ता दे इस्तेमाल किया गया कि जे जथेदार साहब कोई फैसला लेंदे है जा कोई जिक्र करते हैं बयान देंदे तो पहला आप शंका का प्रगटावा करते हैं। बादल परिवार जा बादल दल नू सूट करदा वा उह तां इलाही हुक्म हुंदा जी जदों के साडे संगतां दे वास्ते तां असीं हरेक हुक्म नू ही इलाही समझदे आ। अकाल तख्त साहब जथेदार दे हुक्मां तों बागी श्रोमणी अकाली दल ते बादल परिवार ही हमेशा हुंदा आया ते उहनां दे करके साडियां संस्थावां इन्ने नगार विच चलियां गईआं जी। मैं जी इन्हां दोनां नाल इस मसले दे उत्ते सहमत हां जो इन्होंने फरमाया ठीक है बिल्कुल ते जो इस तरह की एक रवैया रखे तो धर्म की और जे जथेदार की या अकाल तख्त की मर्यादा किस तरह असं ढा लगन को बचा सकते हैं फिर साढ़े जोड़े पंथ के मसले हैं वो ज्यों के त्यों पे इन्होंने किसी की कोई पूरी भी नहीं छोई। जो अकाल साहब के जथेदार साहब ने कही है गल कि साड़ियां संस्थावां च नगार क्यों गया कौन है जिम्मेवार जेड़ा कंस्टीट्यूशन है विधान है उहदे च दसदे पिया सी पीसी नूं किथे ताकत हैगी आ अकाल तख्त दे जथेदार नूं नियत करन दी जां उहनूं हटाउण दी। SCPC दे सीनियर मैंबर और दो चार अकाली दल दे मैंबर जिहड़े ने उह SCPC दे जिहड़ा वल्लों जाके अकाल तख्त के जहेदार को बेनती करते हैं उन्होंने जहेदार बना देने ने दूजे जाके दबाव बनाते हैं उसको इस्तीफा ले लेंगे ने। गुरु साहब ने कहा को किसी को राज ना दे है जो ले है निज बल से ले है। मैं पूछना चाहना कि अकाल तख्त तो सिवाए जेड़े बाकी तख्त बने ने उन्होंने विधि विधान की है। जितों तक दादूवाल साहब बहुत सारिया गल्लां कह के गए हैं उन्होंने किंतु परंतु उन्होंने 300 साल वेले जथेदार साहब के हुक्म की भी गल की। मैं उन्होंने पूछता हैगा कि अज भी उही हालात हैगे है इस दिन बंदी सिखा की गल हुई बंदी सिखा के संबंध में मीटिंग हुई उस दिन मीटिंग है जी उस तार पीटो किस गल से किया गया और तुसी जड़ा हैगा किसी भी गल नूं खत्म करन वास्ते तुसी लिया के जड़ा हैगा कदे तुसी अपना BJP दा रौला पा दो कि जी बाहरलियां ताकतां ਦਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਾਟਾ ਰਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਥੇਦਾਰ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਭਗਵਾ ਹੈ। अच्छा जेडे है कहते हैं जी जेल के निकल गए जथेदार जेल के नहीं निकलते जथेदार जथेदार जेल हुए कि अद्धी सदी हो गई लेकिन लोगों की आवाज के निकले जथेदार। सिद्धू साहब उन्होंने तुम सवाल तो कर नहीं देंगे जो एक बयान करते देंगे है उस तो पहला उनका किंतु परंतु और क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। दूसरी गल है जी श्रोमणी कमेटी है अजे तक इन्होंने उसके चेंजेस आ सकती है क्यों नहीं लिया रहे क्यों जथेदार साहब उसे हेजिटेट कर रहे हैं चीजा सुझाव देने चाहिए असं सुझाव तो दे ही नहीं रहे अच्छा क्रिटिसिजम कर रहे हैं अभी 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 अड़े बैठे हैं। इन्हों के मैंबर की बहुगिणती होने कारण जिहड़े असीं इंडिपेंडेंट जां दूजियां वल्लों जाने आ उन्हां नूं इह बोलण नहीं दिंदे। बीबी जगीर कौर नूं मैं कहा इह हाथ खड़ा करके कहा उह प्रधान सीगी कि जी मैं कुछ कहना चाहुंदा है ते उन्हां ने उस वेले आनंद साहब पढ़ना शुरू कर दिता। इह वक्खरी गल आ कि मैं बादल दा नहीं हाँ तुसीं बादल दे जे मैं बादल दा नहीं हाँ तुसीं कुड़ी मार के भी जिहड़ा हैगा प्रधान बन सकदे जे ते मैं एक सच्चा सुच्चा सिख होके भी मतलब 2 मिनट जिहड़ा हैगा जिद्दण आउच बोल भी नहीं सकता तो मैनू बाहर आके कहन लगे जी यही तो राजनीति है इहनू तो राजनीति कहिंदे रियार साहब होर की है। और गुरु साहब ने उत्थे नीति बनाई नीत बनाई श्री साहब कढ के सिर मंगिया कि उत्थे वोटां पाईआं
जे वोटां पाईआं ते धामी साहब तुहाडे वर्गे ते मेरे वर्गे आउणे सी, वोटां नहीं पाईआं, उत्थे सिरां दा मुल होया। वोटां पाउण दे नाल असीं महात्मा गांधी दे जिहड़े सिख बन गए आ, गुरु नानक दे सिख नहीं है। साडे धर्म दे विच इलैक्शन नहीं है, साडे धर्म दे विच सिलैक्शन है। अज सिलैक्शन कराओ जिस तरह ईसाई कराउंदे ने, अज सिलैक्शन कराओ। जे ना सारे सिख जिहड़े ने जथेदार की एक गल के उत्ते अपना शरीर जरा गया त्यागण की ना तैयार हो जाए, वो एक एक बोतल पी के तुहाडे अकाली दल दे तुहाडे SCPC जिहड़े मैंबर ने उन्हें एक एक बोतल पी के उन्हां दा आटा भेजदा है, और तुसीं कहिंदे जे कि असीं सिख हां। सिक्खी बहुत दूर है, सिक्खी मजबूर है। कहिंदे सीगे मैं कालण हो गई वे कालिया तेरिया दुखां दी मारी। रियाड साहब कहिंदे इहदे च किते इलैक्शन नहीं, इहदे च सिलैक्शन है। मरन कबूल जीवन की शादास, हो सबन की रेणका, तो आओ हमारे पास। इथे सिर मंगिया जांदा है, सिर देण नूं कोई किसे दे प्रधान की देण नूं नहीं कोई तैयार। ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੋ SCPC ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੌਧਰਾ ਮਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 6% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6% ਵੋਟਾਂ? 6% ਵੋਟਾਂ 6% ਗੱਲਾਂ